राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। झारखंड प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन सह देवघर जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन के संरक्षक सह संस्थापक सदस्य रहे धारानाथ झा का रविवार सुबह हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उन्होंने देवघर के झोसागढ़ी स्थित अपने निजी आवास पर 82 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। ज्ञात हो कि बीते कुछ दिनों से श्री झा बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर सुनते ही सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। साथ ही रविवार की सुबह शिवगंगा तट स्थित महाशमशान में उनके पुत्र धीरेन्द्र नाथ झा ने मुखाग्नि दी। देवघर के निजी बस स्टैंड में उनके निधन की सूचना मिलते ही देवघर जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दिनेशानंद झा की अगुवाई में शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान तमाम उपस्थित बस स्टैंड के कर्मियों ने श्री झा के निधन पर 2 मिनट का मौन रख शोक प्रकट किया। मौके पर दिनेशानंद झा ने कहा कि धारा बाबू हम सबो के अभिभावक थे। यह खबर दुखद व स्तब्धधारी है। वह मेरे अभिभावक अत्यंत करीबी थे। उनका स्नेह मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। उन्होंने 5 दशक के अधिक समय तक केवल देवघर ही नहीं संयुक्त बिहार से लेकर वर्तमान झारखंड तक बस स्टैंड, बस व्यवसाय व बस उद्योग से जुड़े लोगों के साथ जनहित के लिए अपना सर्वस्व जीवन त्याग कर दिया। विशेषकर देवघर बस स्टैंड को सशक्त व प्रभुत्वकारी बनाने में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। तमाम बस मालिक व कर्मचारी अपने अभिभावक के निधन की खबर पर व्यथित व दुखी हैं। हमारे अत्यंत प्रिय धारा बाबू को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें व परिजनों को शोक की इस घड़ी में दुख सहने का हिम्मत प्रदान करें। स्वर्गीय श्री झा अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गए। उनके निधन की खबर सुनते ही स्थानीय विधायक नारायण दास, महागामा विधायक दीपिका पांडे, झारखंड प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह समेत सैकड़ों लोगों ने शोक प्रकट किया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।